हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे नींबू और मिर्ची का अचार। ये अचार बहुत ही जल्दी इंस्टेंट रेडी हो जाता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 8 से 10 नींबू लिए हैं, ये मेरे फ्रेश नींबू हैं। और मैंने मिर्ची ली है, ये मेरी पीली वाली मिर्ची है, ये कम चटपटी होती है। तो नींबूओं को हम बीच से 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप अगर छोटा अचार चाहते हैं तो इनको आप 8 टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। मैंने इनको 4-4 टुकड़ों में कट कर लिया है। सारे ही नींबूओं को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब काटना है हमें मिर्ची, तो मिर्ची के हम डंठल को अलग निकाल देंगे और मिर्ची को हम बीच से कट करेंगे। बस केवल 2 टुकड़ों में हमें इसका चीरा लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने मिर्चियों को भी कट कर लिया है। तो नींबू और मिर्ची मैंने दोनों को एक साथ मिला लिया है, दोनों ही मेरे कट चुके हैं। अब मैं नींबू और मिर्ची को एक बड़े से मुखे बर्तन में डाल दूंगी, जिससे मिलाने में आसानी रहे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी मिला देंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, जिससे अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब हमें इसको अचार में अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे नमक, हल्दी, मिर्ची अच्छे से अचार पर कोट हो जाए। अब मैंने मसालों में लिया है 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच मेथी, 1 चम्मच अजवाइन। मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच सरसों का ऑयल डाला है। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसमें डाल देंगे हम मेथी, और मेथी को चलाते हुए हमें भून लेना है। इसे हमें चटका लेना है और हम एक साइड इसको कर लेंगे, जिससे मेथी जलेगी नहीं। अब इसमें डाल देंगे हम पीली सरसों, 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों को हमें भून लेना है। मेथी को डालकर भी हमें थोड़ा सा चला देना है, नहीं तो ये जल जाएगी। अब 1 चम्मच मैं इसमें सौंफ डाल दूंगी, सौंफ को भी डालकर हमें भून लेना है। सारे ही मसालों को एक साथ मिलाकर हमें 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। इसमें अपने आप खुशबू आने लगती है, इतना हमें भूनना है। तो देखिए मसाले का कलर चेंज हो गया है। इतना ही मसाला हमें भूनकर तैयार करना है। अब मैंने लिया है 1 ग्राइंडिंग जार, तो इस मसाले को ठंडा होने के बाद मैं ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी। अब 1 चम्मच मैंने अजवाइन ली है, अजवाइन हमें कच्ची ही डालना है। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर हमें इसका एक दरदरा पाउडर बना लेना है। देखिए दरदरा पाउडर मैंने बना लिया है। अब इस पाउडर को डाल देना है हमें अचार में, और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, जिससे सारे अचार में मसाला कोट हो जाए। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने एक कांच का कंटेनर लिया है, इसमें अचार को डाल दूँगी। बेहतर होगा कि आप इसे कांच के कंटेनर में ही डालें, जिससे अचार बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, तो सारे ही डिब्बे में मैंने अचार को भर दिया है। अब मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया था और इसे ठंडा कर लिया है, इससे जल्दी अचार ख़राब नहीं होगा। इसको डालकर हमें अच्छे से हिला देना है, जिससे तेल सारे ही अचार में मिल जाए। अगर आप केवल नींबू का अचार बना रहे हैं तो तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिर्ची डाल रहे हैं तो तेल ज़रूर डालिए। तो मिर्ची तो आप अभी इंस्टेंट खा सकते हैं, पर नींबू को आप 1 से 2 दिन में खा सकते हैं। और इसको 1 से 2 दिन में हमें चम्मच की हेल्प से इस तरीके से हिला देना है, जिससे अचार ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से आप अचार बनाएंगे तो आप सालों साल रखा रहेगा तो भी अचार ख़राब नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।